की बोले कि अरे हमारे संबंध में एक लड़की है, उसको भूत आ गए हैं। ये भूत कैसे आ जाते हैं? मीराबाई अचानक ही बोल पड़ी, जो लोग भजन नहीं करते, ठाकुर जी का ध्यान नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, भगवत संत सेवा नहीं करते, ये बुरी आत्माएं उनको परेशान करती हैं। आप अपनी उस घर की कन्या को कहो कि खूब भगवत भजन किया करे, कोई भूत भूत कुछ नहीं करेगा। तभी एक बोली, अच्छा मीरा, तो लगता है कि तुम पर भी कभी भूत आक्रमण नहीं करेंगे। मीरा भाई बोली, अरे भूत भूत ये सब तो उनके पीछे पड़ते हैं, भजन बिन नर मर गट के भूत, जो भजन नहीं करते उनके पीछे पड़ते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे। तभी दो चार कुछ मीराबाई की उम्र की जो घर की कुछ रानियां थी वो बैठ गई आकर के मीराबाई के पास, बोली पता है तुमको हमारे चित्तौड़ में भी एक भूत महल है, हम कभी गई नहीं है, लगता तो बड़ा सुंदर है लेकिन जाने की बड़ी इच्छा है। मीराबाई तुम चलो ना हमारे साथ, तुमसे तो भूत भागेंगे, हम तुम्हारे संग देख आएंगे अंदर से महल। उनका षड्यंत्र यह था कि महल के भीतर जाएंगी, चाबी राणा जी के पास रहती है, खोल करके भीतर घूमेंगी और घूमते घूमते अचानक से एक द्वार से हम भागाएंगे, मीराबाई को वहीं बंद करके आ जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, भीतर गई महल में, सब पीछे पीछे चल रही थी मीराबाई के छुपते हुए। मीराबाई बोली कोई डरने की बात नहीं है, भीतर ऊपर चलते हैं, वहां जाकर खूब कीर्तन करेंगे तो यहाँ भी जितने भी भूत प्रेत आत्मा होंगे सब मुक्त हो जाएंगे। डर डर के पीछे चलती जा रही थी मीराबाई, थोड़ी आगे गई, जैसे ही आगे भाई वे सब तो वहां से बाहर आ गई, ताला लगा करके चाबी ले जा करके राणा जी को दे दी। मीराबाई अंदर ही रह गई। 3 दिन तक मीराबाई उसी के भीतर रही, लाल जी की सेवा पूजा सखियां करती, पर मीराबाई के कुछ पक्ष के लोग जाकर के राणा जी से चिल्लाने लगे, कहां है मीराबाई, दिखती क्यों नहीं, कहां चली गई है, ऐसे कैसे कहीं चली गई। सब ने जब बहुत हट किया तब पूरी जांच बैठाई गई, जांच में पता चला कि इन इन लोगों के साथ मीराबाई वहां भूत महल में गई थी। उन सब ने बात बता दी, बोले हम उनको वहीं बंद करके आ गए हैं, 3 दिन से ना जल मिला है ना अन्न मिला है, अकेली मीराबाई बैठी है। सब लोग गए दौड़ करके, ताला खोला, भीतर जाकर के अंदर एकांत में जब देखा तो उस भूत महल के भीतर पद्मासन में ध्यान लगाए हुए भक्तिमती मीराबाई एकाग्र रूप से बैठी। जाकर के जब उनके श्वास देखी, उनकी नब्ज देखी तो अभी जीवित अवस्था है, सब चल रहा है, वे तो ध्यान में बैठी थी। मीराबाई को चेतना आई, चेतना आते ही उनसे पूछने लगी, तुम लोग कहां चली गई थी, मैं तुमको ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा, मीरा तुमको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले भूख प्यास अभी अभी तो पाके आई हूं मैं। बोले कब पाया? बोले राजभोग पाया था, अभी संध्या भोग गिरधर लाल को लगा के पाऊंगी। बोले राजभोग तुमने 3 दिन पहले पाया था। मीराबाई बोली 3 दिन हो गए? बोले हाँ, 3 दिन से तुम यहीं बैठी हो, तुम इसी भूत भूत भवन में अकेली थी। मीराबाई बोली मुझे नहीं पता, मैं तो इनको ढूंढ रही थी, जब नहीं मिली तो मैंने सोचा थोड़ी देर लाल जी की चिंतन कर लूं, बैठ गई, बस मुझे क्या पता 3 दिन निकल गए। ऐसी स्थिति मीराबाई के साथ। बंधुओं, अब जब ज्यादा ही राणा जी का प्रताड़ना होने लगी तो मीराबाई ने अब थोड़ा उनका मन खिन्न होने लगा। बंधुओं, आप लोग पूछते होंगे, मन में आता होगा, मेरे मन में भी आया कि मीराबाई पहले ही क्यों नहीं चली गई, अपने मायके चली जाती, वहीं जाके रह लेती, क्यों रह रही थी, क्यों राणा के इतने भावों को स्वीकार कर रही थी। 2 कारण बंधु। पहला कारण तो मीराबाई ये चाहती थी कि सब बदल रहे हैं, धीरे धीरे राणा जी भी बदल जाएं, ये भी भगवत भक्त हो जाएं, उसके लिए भले ही मुझे पीड़ा सहनी पड़े लेकिन कभी ना कभी तो इनको विश्वास लाल जी पर होगा, कभी तो इनके हृदय में वो भक्ति प्रकट होगी, इसलिए मीराबाई रुकी हुई हैं। और दूसरा कारण, क्योंकि भोजराज को वचन दिया था कि मेवाड़ में भक्ति को प्रकट करना है,
संतों का आगमन हो गया है, मंदिर बनने लगे हैं, वैष्णव जन अब मेवाड़ आने लगे हैं, मीरा भाई उस अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रही हैं कि मुझे भक्ति यहाँ पर प्रकट करनी है, इसलिए मीरा भाई रुकी। परंतु अब मीरा भाई को लगने लगा कि जितना मैं चाहती थी संभव हो चुका है, परंतु अब ये बार बार के आ रही पीड़ाएं मुझे अनुभव नहीं होती, लेकिन मेरे तन को तो होती है ना। तब भक्तिमती मीराबाई ने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भेजा और पत्र में गोस्वामी जी से पूछा, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसन हरण गुसाई, बार ही बार प्रणाम करूं अब हरूं शोक सुख दाई, घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बधाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई, बालपन में मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई, सो तो अब छूटत नहीं क्यों हूँ लगी लगन बलिनाई, मेरे मात पिता सम तुम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोको कहाँ उचित करिवो अब सो लुखियों समझाई। मीराबाई ने पत्र लिखा, पत्र में अपने भाव में सब लिख दिया। बाल्यकाल में माता पिता ने इन्हीं को ही मेरा पति बताया, तब से मैं इनको अपना प्रियतम मानती हूँ, अब आप ही बताओ गोस्वामी जी बालकाल से की गई भक्ति अब कैसे छूट सकती है, मेरे माता पिता सब आप हो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, या तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करके यहीं रहती रहूं, इन लोगों की पीड़ा सहती रहूं, या फिर जो आप आज्ञा करें मैं वो करने को तैयार हूं। एक ब्राह्मण के द्वारा ये पत्र गोस्वामी जी को चित्रकूट भेजा मीराबाई ने। मीराबाई का पत्र लेकर के गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके मीराबाई के लिए भेजा। ब्राह्मण ने आकर के पत्र मीराबाई को दिया। आहा, गोस्वामी जी के ये वाक्य पढ़ते ही मीराबाई का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। हे भक्तिमती मीरा, जिसका हृदय राम जी को ना पूछता हो, श्री ठाकुर जी का अनुभव ना करता हो, वंदन ना करता हो, तजिए ताही कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना भी अपना हो उसका त्याग कर दो। बंधुओं, आप अगर पूछें कि महाराज जी भक्ति प्रारंभ कैसे करनी है, तो सबसे पहली जो क्रिया आपको करनी है, जो हरि विमुख, हरि कथा विमुख, हरि जन विमुख हैं, उनसे विमुख आप हो जाओ, उनसे आप अपने नाते तोड़ो। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, कथा सुनने के बाद रात्रि में जाओ और जिन जिन लोगों को ठाकुर जी से, ठाकुर जी की कथा से बिल्कुल प्रीति नहीं है, उन सबको ब्लॉक मारो अपने फोन में, नंबर सब जगह से उनको डिलीट करो, निकालो, बोले इनसे संबंध ही नहीं रखना। काय बात के अपने जो ठाकुर जी के नहीं वो हमारे क्यों। गोस्वामी जी ने कहा, चाहे कितना भी स्नेही हो, ठाकुर जी का बैरी है तो उससे संबंध नहीं रखना। मानो गोस्वामी जी को लगा कि ये प्रमाण पूछ रही होंगी कि किसी ने ऐसा किया, आप मुझे आज्ञा कर रहे हो, तो गोस्वामी जी अगली पंक्ति लिखते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तन भय मद मंगल खारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया और भरत जी ने माता केकई का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया, ब्रज की ब्रज वनिता गोपिकाओं ने अपने परिवार का त्याग किया, सबका मंगल हुआ मीरा भाई।
जिसने भी भगवत विमुख लोगों का त्याग किया उसका मंगल ही हुआ है, आप भी करो। ना तो नेह राम सो मनियत श्रोहिद सुसेव्य जहालो, अंजन कहा आँख जेहि फूटे बहुतक काह काहलो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बड़े स्नेह राम पद ऐसो मतो हमारो। आहा, ये अंतिम पंक्ति गोस्वामी जी कहते हैं जिससे राम जी और प्रिय लगे वो करना चाहिए, ऐसी हमारी मति है। दूषित लोगों का त्याग करो मेरा भाई। गोस्वामी जी का पत्र पढ़ते ही मीराबाई के नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगे और मीराबाई ने विचार कर लिया कि अब यहां नहीं रहना। भोजराज के साथ विवाह करके जिस चित्तौड़ में मीराबाई पधारी, भक्ति का सागर लेकर के आज मीराबाई उसी चित्तौड़ को त्याग करके अब जा रही हैं। आह, ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई पूरे चित्तौड़ में 30 वर्ष तक रही, मीराबाई 20-25 वर्ष तक रही, एक एक कक्ष का दर्शन किया, कहां कहां ठाकुर जी ने उनके साथ लीलाएं की उन सब का दर्शन किया। जाते समय राजा भोज का स्मरण किया, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया, अब मुझे आज्ञा दो। ये बात कहते ही कक्ष के भीतर राजा भोज उनको दिखाई दिए। भोज को देखते ही भोज प्रसन्न मुद्रा में है और मानो जैसे मीराबाई को प्रणाम कर रहे हैं। मीराबाई चित्तौड़ से निकलने लगी, पूरा चित्तौड़ रो रहा है, सब मेवाड़ के लोग रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, मानो जैसे सूर्य अस्त हो रहा है सदा सर्वदा के लिए, ऐसी पीड़ा सबके हृदय में हो रही है। मीराबाई चित्तौड़ से निकल करके वापस मेड़ता पधारी और मेड़ता में आकर के अपने पुनश्च श्याम कुंज में, जहां मीराबाई बाल्यकाल में सब ठाकुर जी की लीला करती थी, वहां आकर के मीराबाई ने पुनश्च उत्सव आदि मनाने प्रारंभ किए। परंतु बंधुओं, कुछ दिन में मीराबाई का अब मन विचलित हो गया और एक दिन मीराबाई बैठे बैठे श्याम कुंज में विचार करती हैं, चलो कहां